हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 18 कर रहे हैं। यह 16 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। एज वी नो दैट द फूड वी ईट हैज डिफरेंट टेस्ट, द सोर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ द फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। बच्चों, हम बहुत सारी तरह के फूड खाते हैं। इन फूड में सोर या बिटर टेस्ट हो सकता है। अगर इनमें सोर टेस्ट होता है तो यह इंडिकेट करता है कि खाए गए फूड में एसिड है, और अगर बिटर टेस्ट होता है तो यह इंडिकेट करता है कि फूड के अंदर बेस प्रेजेंट है। एसिड्स के एग्जांपल हैं कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। दीज आर सोर इन टेस्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एसिड। कर्ड, लेमन जूस, जो भी हम इस तरह के सोर सब्सटेंसेस खाते हैं उनमें नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिस, some substances are bitter in taste, for example baking soda, if you rub its solution between fingers it feels soapy. Such substances are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. Basic substance taste में bitter होते हैं। तो अब जैसे कि baking soda, ऐसे सब्सटेंस को जब हम टच करते हैं तो फिंगर्स के बीच में हमें सोप जैसा फील होता है। सॉल्ट्स, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। सॉल्ट्स एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जो कि हम टेबल सॉल्ट खाते हैं, NaCl इसको हम बोलते हैं, और कॉपर सल्फेट। क्या हम जो भी सब्सटेंसेस खाते हैं उनको हम एसिड बेस में कैटेगराइज कर लेते हैं? क्या हम सभी सब्सटेंसेस को खा सकते हैं और एसिड बेस में कैटेगराइज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो सभी खाने लायक नहीं होते हैं। यस, यू आर राइट, वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस। देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic. These are known as indicators. तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी substance हमने लिया है वो acidic है कि basic? इसको पता चलाने के लिए हम indicators का इस्तेमाल करते हैं। Indicators के types, ये तीन type के होते हैं, natural indicators, synthetic indicators and olfactory indicators. सबसे पहले natural indicators के examples देख लेते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर में प्रेजेंट सब्सटेंसेस से मिलते हैं, एग्जांपल लिटमस। लिटमस हमें लाइकन से मिलता है और दो रंगों का मिलता है, या तो इसका कलर रेड होता है या इसका कलर ब्लू होता है। अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड के साथ लेते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, और अगर हम ब्लू लिटमस को बेस के साथ लेते हैं तो इसके रंग में कोई डिफरेंस नहीं आता, इसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन यह रेड को ब्लू कर देता है। सेकंड एग्जांपल है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज के जूस को ले लिया जाता है तो उससे भी इंडिकेटर की तरह हम पता चला सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिड है या बेस। अगर रेड कैबेज का कलर चेंज ना हो और रेड ही रहे तो इसका मतलब एसिड है, लेकिन अगर इसके कलर में चेंज आ जाए और ये रेड से ग्रीन हो जाए, इसका मतलब जो भी सब्सटेंस हमने इसके साथ लिया है वह एक बेस है। टर्मरिक, एसिड के साथ टर्मरिक कोई भी चेंज नहीं दिखाता, जबकि बेस के साथ इसके कलर में कलर रेड कलर का हो जाता है। जब कभी हमारे क्लोथ्स पर वेजिटेबल का कोई स्टेन लग जाता है, उसे हम सोप से वॉश करते हैं तो हम देखते हैं कि टर्मरिक का कलर रेड हो गया है। यह इंडिकेट करता है कि सोप के अंदर बेस है। इसका मतलब यहाँ पर टर्मरिक ने इंडिकेटर की तरह ट्रीट किया है। नेक्स्ट है हमारा
सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें केमिकल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, लेकिन जब अगर इसको एसिड के साथ ले लिया जाए तो इसका कलर रेड हो जाता है। इसी तरह से अगर इसको बेस के साथ लेते हैं तो इसके कलर में चेंज आता है और ये येलो हो जाता है। इसके कलर में चेंज आने के कारण हमें पता चल जाता है कि जो भी सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिड है या बेस है। इसी तरह से फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन इंडिकेटर एसिड के साथ कलरलेस और बेस के साथ पिंक कलर का हो जाता है। थर्ड टाइप है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं कि इन्हें एसिड्स बेसिस के साथ लिया जाता है तो इनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, इनकी स्मेल में चेंज आ जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है अनियन जूस। इसे अगर एसिड के साथ ले लिया जाए तो इसकी स्मेल और भी तेज हो जाती है, बेस के साथ लिया जाता है तो इसकी स्मेल खत्म हो जाती है। वेनीला, वेनीला की स्मेल एसिड के साथ सेम रहती है और बेस के साथ इसकी स्मेल खत्म हो जाती है। क्लाव ऑयल, इट रिटेन्स स्मेल, यानी कि एसिड के साथ इसकी स्मेल सेम रहती है लेकिन अगर इसको बेस के साथ लिया जाता है तो इसकी स्मेल खत्म हो जाती है। अब हम एसिड बेसिस के डेफिनेशंस देख लेते हैं। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, दीज टेस्ट सोर, एसिड कोरोड्स मेटल्स, have positively charged H plus ions. इसके एग्जाम्पल हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड ब्लू लिटमस के कलर को चेंज कर देता है और ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, पर अगर इसको रेड लिटमस के साथ लिया जाए तो यह कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, रेड को रेड ही रखेगा। इसको लर्न करने का एक इजी तरीका है कि एसिड्स शो द साइन ऑफ डेंजर, ब्लू को भी रेड किया और रेड को भी रेड ही रखा, जबकि अगर बेस को ले लिया जाता है ब्लू लिटमस के साथ तो बेस शोज ऑलवेज ब्लू कलर, ये ब्लू को ब्लू ही रखेगा, चेंज नहीं करेगा लेकिन रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं बी फॉर बेस एंड पी फॉर ब्लू। Bases turn red litmus blue, taste bitter, have negatively charged hydroxyl ion. इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनके फॉर्मूले में ही आप देख सकते हैं कि इनके साथ OH अटैच है, इसीलिए OH आयन से रिलीज करते हैं। फील स्लिपरी, मोस्ट हैंड क्लीनर्स एंड ड्रेन क्लीनर्स आर बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव। अब इसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड टू ब्लू, टेस्ट सोर, टेस्ट बिटर, एसिड कोरोड्स मेटल। ये वाला पॉइंट लगभग सेम है, जो बेसिस थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, इसलिए इस पॉइंट को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, हैव पॉजिटिवली चार्ज एस प्लस आयन, हैव नेगेटिवली चार्ज ओ एच माइनस आयन्स, और ये एग्जांपल्स एसिड बेसिस के हम इसमें लिख देंगे। कोरोसिव नेचर का मतलब होता है मेटल की शाइन को लूज कर देना, कि अगर इनके साथ मेटल्स ली जाती हैं या मेटल्स के ऊपर एसिड बेसिस डाल दिए जाते हैं तो मेटल्स अपनी शाइन लूज कर देते हैं। अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, वट इज इट्स नेचर। अमोनिया विंडो क्लीनर और बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में मिलता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था रेड में ब्लू कौन करता है, बी फॉर ब्लू, इट मीन्स इट कंटेन्स बेस। क्वेश्चन 3, मार्क T4 ट्रू एंड F4 फॉल्स। नाइट एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, नाइट्रिक एसिड, ये एसिड का एग्जांपल है इसलिए रेड को ब्लू में नहीं करेगा, रॉन्ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये भी रॉन्ग है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है
और बेस ब्लू पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ये बिल्कुल सही है कि इंडिकेटर्स एसिड बेसिस के साथ कलर चेंज दिखा सकते हैं। हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन क्लोथ चेंज इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विद सोप? बिकॉज टर्मरिक एक्ट्स एज इंडिकेटर एंड सोप कंटेन्स बेस, सो इट चेंजेस द कलर फ्रॉम येलो टू रेड। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।